थैंक यू रणजीत फॉर दैट इंट्रोडक्शन। आज भाई रणजीत, अभी जब वो इंट्रोडक्शन दे रहे थे, नहीं मैं तुम्हारी टांग नहीं खींच रहा, मैं कुछ तुम हंस रहे हो तो मुझे लगा कि कहीं तुमको ऐसा ना लगे कि मैं टांग खिंचाई करने जा रहा, ऐसा नहीं। मैं कुछ एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। आज भाई रणजीत जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे तब उन्होंने एक नारा दिया और वो नारा यह था कि जो मैटर हमको अनुग्रह देता है हम बार बार उसको देखें और दूसरों के साथ शेयर करें। उसके बारे में दो शब्द मैं बोलना चाहता हूं, जिसके एक विशेष कारण है। जब से स्मार्टफोन सस्ते हो गए हैं और जब से लगभग हर कोई स्मार्टफोन लिए फिरता है, तब से स्मार्टफोन पर बहुत सारा मेटीरियल आने लगा है। परमेश्वर के वचन से संबंधित मेटीरियल है, हंसी खेल तमाशा है, उसके अलावा इवन बहुत सारी गलत जानकारियां भी है। इन विषयों के ऊपर बहुत अनुसंधान हुआ है और उन अनुसंधानों से ये पता चला है कि ज्यादातर लोग, इवन मसीही विश्वासी लोग, ज्यादातर लोग अपना ज्यादातर समय कचरा, खासकर व्हाट्सएप में जो कचरा आता है, उसको देखने सुनने के लिए समय खर्च करते हैं। कचरा ना केवल देखने सुनने में समय खर्च करते हैं, बल्कि व्हाट्सएप वगैरह में फॉरवर्ड करने की बहुत सुविधा है तो भाई लोग क्या करते हैं कि अपना तो समय बर्बाद किया, अपना आत्मिक जीवन बर्बाद किया, उठा के ये सारा मेटीरियल दूसरों को फॉरवर्ड कर देते हैं। मैं बहुत सारे मसीही ग्रुप्स में सदस्य हूँ, कई चर्चेस का जो ग्रुप है उसमें सदस्य हूँ, और कई बार लोग उस ग्रुप में जो पोस्ट करते हैं उसे देख के सर पीट लेता हूं कि इतने सारे अच्छे मेटीरियल के होते हुए भी इस भाई को एक चर्च ग्रुप में पोस्ट करने के लिए सिर्फ कचरा मिला क्या? ये एक बहुत बड़े रोग का लक्षण है और वो रोग है परमेश्वर के विरुद्ध हमारा जो विरोध है, जो अदन की वाटिका में आरंभ हुआ था। जरा सोचें, अदन की वाटिका को, जो दुनिया में इस तरह की कोई वाटिका नहीं थी, वाटिका को बनाने के बाद परमेश्वर ने उसके सेंटर में दो पेड़ लगाए, एक जीवन का वृक्ष था और एक भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था। उसके बाद परमेश्वर ने आदम को बुलाकर कहा कि इस बगिया में जितने फल देने वाले वृक्ष है सबके फल तुम खा सकते हो, बस वो जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसका फल मत खाना। आदम हव्वा कितने साल अदन की वाटिका में रहे होंगे इसके बारे में प्रभु का वचन नहीं बताता है, लेकिन बाइबल में जनरली आदम हव्वा के बारे में जो कहा गया है उसके आधार पर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि पाप करने से पहले मनुष्य काफी समय अदन की वाटिका में रहा होगा। ये जितना समय वो अदन की वाटिका में रहा, उस समय वाटिका में सब पेड़ों के फल उनके लिए उपलब्ध थे। और खासकर इस बात को याद रखें कि आदम एक अज्ञानी व्यक्ति नहीं था, सर्वज्ञानी परमेश्वर ने उसको इतना ज्ञान दिया था कि वो परमेश्वर ने उसके पास जो भी प्राणी लाए उन सबको नाम दे सका। लेकिन इतने ज्ञानी व्यक्ति ने जीवन के हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल खाया क्या? नहीं खाया, जीवन के वृक्ष का फल नहीं खाया। और खाया तो भी वो फल खाया जो उसे सदा सर्वदा के लिए परमेश्वर के पास ले गया। मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं भाइयों बहनों, ये कोई छोटी बात नहीं है।
जीवन के वृक्ष का फल, आदम को मालूम था कि इसको खाने के बाद सदा सर्वदा जीवित रहोगे, उसके प्रति कोई झुकाव नहीं आया, कोई मोह नहीं आया, उसको खाया नहीं। भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के बारे में वो जानता था, हवा भी जानती थी कि उसको खाओगे उस दिन मर जाओगे, और हाथ बढ़ाकर उसको खा लिया। आज अदन की वाटिका में जो हुआ था एग्जैक्टली वही हमारे घरों में हो रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है जो जीवनदायक एक उपकरण हो सकता है, उस उपकरण का उपयोग हम दूसरों को मारने के लिए या उनकी हत्या के लिए कर रहे हैं। आप कहेंगे कि ब्रदर जॉनसन ऐसा कैसे हो सकता है, इसके द्वारा हत्या? बिल्कुल इसके द्वारा हत्या, क्योंकि समय हर व्यक्ति के पास सीमित है, और चूंकि समय हर एक के पास सीमित है, इस कारण यदि आप उसके समय को बर्बाद करते हैं और आत्मिक जीवन में उसको प्रोत्साहन देने के बदले आप उसको कचरा भेजते हैं, तो आप उसकी हत्या कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन हत्या का जो हत्या की परिभाषा देता है वो बहुत व्यापक है। हम लोग अक्सर हत्या न करना जब पढ़ते हैं तब हमको लगता है कि बंदूक लेके हत्या, तलवार लेके हत्या, बस वही हत्या। ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन जो है वो हत्या के बारे में बहुत ज्यादा उसमें व्याप्ति है। जब उसका विस्तार प्रभु के वचन में ही हम देखते हैं तब पता चलता है कि एक व्यक्ति के आत्मिक जीवन को बर्बाद करने से लेकर उस व्यक्ति का समाज में जो नाम है, उस नाम को दूसरों के सामने बुरा करना, जिसको अपन हिंदी में व्यक्तित्व हत्या बोलते हैं, ये भी हत्या की कैटेगरी में आता है। इवन मनुष्य इस बात को समझता है कि यह हत्या की कैटेगरी में आता है, और इसलिए मनुष्यों ने ही, प्रभु के वचन में नहीं, मनुष्यों ने ही उसको नाम दिया है व्यक्तित्व हत्या। और भारत का कानून जिन लोगों ने बनाया था उन लोगों ने व्यक्तित्व हत्या को इतनी गंभीरता से लिया कि व्यक्तित्व हत्या के बारे में यदि किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप आता है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो जब दुनिया हत्या की व्याख्या इतने अधिक विस्तार से कर रही है, और यदि दुनिया व्यक्तित्व हत्या तक को इतने गंभीरता से ले रही है, तो परमेश्वर के बच्चों को कितने सीरियसली लेना चाहिए। इसलिए भाई रणजीत ने कहा कि हम एक आंदोलन के रूप में इसको लें, एक अभियान के रूप में लें, कि हम अच्छा मटेरियल देखेंगे, अच्छा सुनेंगे, और दूसरों को सिर्फ अच्छा मटेरियल फॉरवर्ड करेंगे। जो उन्होंने ब्रीफ में जो कहा था उसका मतलब यह है। मैं भी हाथ जोड़ के आप सबसे कहना चाहता हूं, प्रिय भाई प्रिय बहन, आप तो अनावश्यक समय बिताते हैं, यह आपकी चॉइस है कि आप स्वयं हत्या या आप आत्महत्या करना चाहते हैं, या आपके ऊपर है, मतलब आत्मिक जीवन की आत्महत्या करना चाहते हो। याद रखें, सजा तो मिलेगी उसकी, कोई भी नहीं बचेगा। जो अपने जीवन को बर्बाद करेगा वो भी उसकी सजा पाएगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। वो पूरा पद इस तरह से है, गलतियों में है, धोखा मत खाओ, मतलब धोखे में मत रहो, परमेश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता, परमेश्वर का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। मनुष्य जो बोएगा वो काटेगा। अनुसंधानों से पता चला है कि कोविड के आने के बाद हिंदुस्तान में स्मार्टफोन बिक्री बहुत बढ़ गई है। ना केवल स्मार्टफोन की बिक्री बढ़ गई है, अनुसंधानों से यह भी पता चला है कि एक औसत भारतीय एक दिन में 4 से 4.5 घंटा स्मार्टफोन पर, और उसमें भी अधिकतर समय व्हाट्सएप पर बिताता है।
4 से 4.5 घंटा, अरे उसमें 15 मिनट यदि प्रतिदिन हटाकर रख दिया होता तो साल भर में कंप्लीट बाइबल पढ़ लेते, और ये जो 4.5 घंटा है उसमें से आधा घंटा हटा के रख दिया होता तो 6 महीने में सारा कंप्लीट बाइबल पढ़ सकते थे। और यदि 1 घंटा 4.5 घंटा जो दुनिया के पीछे बर्बाद कर रहे हो उसमें से 1 घंटा हटा के रख देते तो 3 महीने में संपूर्ण बाइबल पढ़ लेते, इसके बाद भी मूर्खता के लिए 3.5 घंटे फिर बचते। इस बात को ना भूलें, परमेश्वर का उपहास नहीं किया जाता है, मनुष्य जो बोएगा वह काटेगा। जी नहीं, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कि जो बोएगा वह काटेगा। आज जरा संदेश के बाद गलतियों की पत्री से उसको पढ़कर देख लें, वहां यह नहीं लिखा है कि मनुष्य जो बोएगा वो काटेगा, वहां यह लिखा है मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा। मतलब यदि आप अपना समय दुनिया भर के कचरे के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा कि आपका जीवन भी कचरा हो जाएगा। उसके बाद फिर प्रभु से रोने धोने गड़गड़ाने याचना करने से कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हमारा मुख्य विषय इन दिनों है तू हत्या न करना। उसके साथ जोड़कर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि कोविड के इस सीजन में 4.5 घंटे स्मार्टफोन पर दुनिया भर का उल्टा सीधा कचरा देखने में यदि हम खर्च करते हैं तो हम आत्महत्या ही कर रहे हैं, क्योंकि यदि दिमाग में लगातार कचरा ही कचरा ही कचरा जा रहा है तो हमारा दिमाग कचरा हो जाएगा। उसके बाद प्रभु के वचन पर हम ध्यान नहीं दे पाएंगे। वहां से स्टार्ट करके हम अपनी जुबान का उपयोग किस तरह से उपयोग करते हैं इसको भी जरा सोच ले, क्योंकि जुबान के गलत उपयोग के द्वारा यदि हम दूसरे व्यक्ति के जीवन को बर्बाद करते हैं, कानूनन तो वो अपराध है ही, और यदि संसार का कानून उसको अपराध कहता है तो परमेश्वर के सामने वो कितना भयानक अपराध हो गया इसको जरा सोच ले। अब आइए हम वापस मत्ती रचित शुभ संदेश 5वें अध्याय के 17वें पद से आगे देखें। मत्ती 5:17, और दया करके कोई भी भाई बाइबल से कॉपी करके यहाँ कमेंट बॉक्स में पोस्ट ना करें, ये मैंने मना किया था। हाँ, यदि रेफरेंस आप पोस्ट करना चाहें बेशक पोस्ट कीजिए, मत्ती 5:17 इतना आप पोस्ट कर दीजिए जिससे कि बाई चांस यदि कोई देर से आता है सुन नहीं पाता है तो उसको पता चले कि आज किस पोर्शन से ध्यान हो रहा है। उसके अलावा दया करके कुछ भी ना पोस्ट करें, हर व्यक्ति को अपनी बाइबल खोलकर उसमें से देखने कंफर्म करने और उसके बारे में नोट लिखने के लिए अवसर प्रदान करें। मत्ती 5:17 में अपन ने देखा था, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्य वक्ताओं को लोप करने आया हूं, उसको काफी आगे तक हमने देखा था। 20वें पद में हमने देखा, मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करने पाओगे। इसकी व्याख्या पिछले हफ्ते हमने देखी थी, और उसकी व्याख्या यह है कि फरीसी और शास्त्री लोग सारा का सारा जीवन प्रभु के वचन के साथ बिताते थे, इसके कारण उनको ये गलत फहमी हो गई थी कि वे लोग प्रभु के वचन के इतने ज्ञाता है कि जरूरत पड़ने पे प्रभु को वचन सिखा सकते हैं। यही तो उन लोगों ने प्रभु यीशु के साथ किया था कि प्रभु ऐसा करना सही नहीं है, वैसा करना सही नहीं है। उसके आधार पर मैंने आपको एक बात बताई थी जो फिर से रिव्यू करके हम आगे बढ़ेंगे, और जो बात मैंने आपको बताई थी वो ये है कि मसीही विश्वास 2 प्रकार का होता है। पहला विश्वास जो प्रभु के साथ हमारा जो अंतरंग संबंध है उसके कारण होता है। दूसरा, मसीही संसार जो जो कार्य करता है वो व्यक्ति यदि उन सब की नकल करे, लोग प्रार्थना करते हैं सुन सुन के मैं भी करने लगा, लोग गाने गाते हैं सुन सुन के मैं भी गाने लगा, लोग गवाही देते हैं सुन सुन के मैं भी गवाही देने लगा, और कई बार क्या होता है कि
ऐसे लोग जो विश्वासी है उनसे भी ज्यादा अच्छी तरह से गवाही देते हैं, उनसे भी ज्यादा अच्छी तरह से प्रार्थना करते हैं, इवन प्रभु के वचन से संदेश देते हैं, लेकिन उन्होंने कभी उद्धार नहीं पाया। या यदि उद्धार पाया भी है तो जिस क्षण उद्धार पाया था उसके बाद उनके जीवन में किसी भी तरह का बदलाव नहीं आया है, जिसके कारण उनका उनकी जो धार्मिकता है वो सिर्फ दिखावे की धार्मिकता है, असली नहीं है। प्रभु ने इस बात को याद दिलाया कि हमारी धार्मिकता असली होनी चाहिए। मत्ती 5:21 में हम देखते हैं, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में मतलब कोर्ट में दंड के योग्य होगा। इसका कारण अपन ने उत्पत्ति में से पढ़ा था, आपको याद होगा उत्पत्ति में हमने पढ़ा था कि जो मनुष्य का खून बहाएगा उसका खून मनुष्य के द्वारा बहाया जाएगा, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। इसलिए प्रभु के वचन का ये नियम है कि जो हत्या करेगा वो कचहरी में मतलब कोर्ट में दंड के योग्य होगा। लेकिन प्रभु ने जो कहा वो यहाँ समाप्त नहीं हो जाता है, आगे प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। एक बात बताइए, हम में से ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने अपने भाई पर कभी क्रोध ना किया हो? मैं तो एक बड़ा ब्रदर हूं, इसलिए मैंने अपने छोटे बड़े ब्रदर्स, छोटे बड़े भाई और बहन, उनके विरुद्ध क्रोध किया है, जिसमें से यदि अनुशासन के लिए मैंने उन पर क्रोध किया हो तो उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि छोटों को अनुशासन में रखना बड़े की जिम्मेदारी है। लेकिन उसके अलावा अनावश्यक तौर पर यदि मैंने अपने स्वयं के छोटे भाई बहन कजिन्स रिश्तेदारों के विरुद्ध क्रोध किया हो तो प्रभु का वचन याद दिलाता है कि मैं कचहरी में मतलब कोर्ट में कचहरी में दंड के योग्य होऊंगा। मतलब 21 में कहा है जो हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, 22 में प्रभु कहते हैं कि अरे हत्या की क्या जरूरत है, यदि तुम अपने भाई से क्रोध करोगे तो कचहरी में दंड के योग्य होगे। प्रभु का वचन भाई शब्द की व्याख्या और अधिक व्याप्त तरीके से करता है, व्याप्ति से करता है। जिसने भी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है वो सब हमारे भाई हैं। बहनें ये ना सोचें कि बच गए, मैंने तो सिर्फ अपनी बहन से क्रोध किया है, और प्रभु का वचन जो है भाइयों को सजा देके बहनों को मुफ्त में भेज रहा है, ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन जब किसी विषय पर आज्ञा देता है तो पुरुष और स्त्री, दास और बादशाह, पंडित और मूर्ख, इन सबको एक साथ समन्वय करके उनके बारे में बोलता है। और इसलिए यदि भाई से क्रोध किया तो प्रभु का वचन याद दिलाता है कि हत्या करके कोर्ट गए उसके तुल्य है। आप कहेंगे कि ब्रदर मैं कभी क्रोध नहीं करता, जरा एक बात बताइए, आपके छोटे भाई या बहन आप कुछ कर रहे हैं, छोटा भाई या छोटी बहन आके कहती है भैया भैया जरा ये गणित समझ में नहीं आ रहा, मेरी मदद कर दीजिए, तो पलट के उल्लू के पट्टे कितनी बार तुमसे कहा है कि मैं जब टीवी देख रहा हूं तब मुझे डिस्टर्ब ना किया करना। उल्लू के पट्टे तो मैंने बहुत सरल शब्द बोला है, मसीही परिवारों में तो माँ बहन की भी गाली चलती है, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। जरा सोच कर देखें क्रोध किया या नहीं किया। आज जो भाई बहन लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं वे खरा खरा, खरा खरा से मेरा क्या मतलब है, बिना बहाना बनाए खरा खरा जरा अपने जीवन को जांच के देखें कि कभी अपने भाई से, अपनी बहन से, अपनी पत्नी से, अपने पति से या किसी और मसीही भाई से आपने क्रोध किया है क्या। आप
कहेंगे ब्रदर जॉनसन यकीन नहीं होता है कि मसीही परिवार में ऐसा होता है। मैं ऐसे कई मसीही परिवारों को जानता हूं जहां आपस में बाप और बेटे में, भाई भाई में मतभेद हुआ तो बाकायदा काटने के लिए वो जो तलवार नुमा जो इक्विपमेंट होता है जिससे अपन लकड़ी काटते हैं, उत्तर भारत में इतना अच्छा नहीं होता है, केरल में तो ऐसा धारदार होता है कि आप उससे एक वार करें तो बकरी का गला कट जाएगा। उसको लेके भाई भाई के साथ, पति पत्नी से और बाप बेटे या बेटा बाप के साथ झगड़ा करते हुए कई उदाहरण मेरी नजर में आए हैं। जरा सोचें, जब प्रभु का वचन कहता है कि भाई पर क्रोध करना कचहरी में मतलब कोर्ट में दंड के योग्य होगा, तो आप तो बाकायदा उसकी हत्या करने के लिए इंस्ट्रूमेंट लेके जा रहे हैं। तो चाहे आप मुंह से अपने भाई बहन के विरुद्ध बोलें, चाहे मारपीट करने के लिए तैयार हो जाए, चाहे काट पीट करने के लिए तैयार हो जाए, ये सब प्रभु की नजर में बहुत 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 सीरियस अपराध है। इस कारण जब प्रभु का वचन कहता है कि तू हत्या न करना, तो उसको हल्के से ना ले। मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं, यहाँ जो लोग प्रभु की वाणी सुन रहे हैं, प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, उनमें से सभी से मैं पूछना चाहता हूं, अपनी पत्नी से आपने कभी कड़े शब्दों में बात की है क्या? अपने पति से अनावश्यक शब्दों में बात की है क्या? अपने बेटे से, बेटी से? जो जवान लोग प्रभु की वाणी आज सुन रहे हैं वो कहेंगे अपन तो बच गए, जॉनसन अंकल ने बच्चों के बारे में कुछ नहीं बोला। तो बच्चों से दो शब्द, जब आपके डैडी ने या मम्मी ने आपको किसी चीज से मना किया, तो आपने कभी उनसे पूछा है कि डैडी आप तो समझते ही नहीं है, मम्मी तुमको क्या मालूम, मम्मी ये कोई तुम्हारा जमाना थोड़ी है? बच्चे बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? मैंने बहुत इसके उदाहरण देखे हैं स्कूलों में और कॉलेजों में। जब लड़कियां अध नंगी चलती फिरती हैं, तो मसीही परिवार की लड़कियों को भी बड़ी इच्छा होती है कि अपन भी थोड़ा नंगा नाच करें, और जब मम्मी जो है मना करती है, तुरंत जवाब होता है मम्मी आपको क्या मालूम कि आजकल क्या हो रहा है। और मम्मी के पीछे मम्मी के बारे में जो बोलते हैं, वो यदि मम्मी को पता चल जाए तो शर्म के मारे माँ मर जाए। इतना गंदा कई बार बच्चे माँ बाप के पीछे बोलते हैं। ये सब हत्या के उदाहरण है। वो इतना, प्रभु का वचन कहता है कि ये इतना भयंकर है कि वो कोर्ट में दंड के लायक है। खत्म नहीं हुआ, आगे लिखा है, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा। ये कचहरी और महासभा में क्या फर्क है? प्रभु यीशु जब संसार में थे, तब यदि कोई व्यक्ति कोई गलती करता था तो उसको पकड़ के कोर्ट में ले जाते थे जहां एक जज होता था। लेकिन यदि उसने जो किया है वो यदि इतना भयंकर हो कि एक जज उसका जजमेंट नहीं कर सकता है, तो उसको महासभा, सभा नहीं, महासभा के सामने उपस्थित करते थे जहां दर्जनों लोग बैठकर न्याय करते थे। तो इसका मतलब है कि यदि अपने भाई को सिर्फ एक निकम्मा, निकम्मा बहुत सामान्य शब्द है, इसके अपनी भाषा में मूर्ख, बेवकूफ, नालायक, और अंग्रेजी में इडियट, इस तरह के शब्दों को, यही है जिसके बारे में ये हमारी भाषा में दूसरे का अपमान करने के लिए सबसे सरल शब्द है, और हम जम के इसका उपयोग करते हैं। प्रभु का वचन कहता है जो अपने भाई को निकम्मा कहेगा
वो महासभा में दंड के योग्य होगा। प्रिय भाइयों और बहनों, जरा एक क्षण के लिए सोच कर देखें, हमने अपने जीवन में अपने भाई बहनों के बारे में वो मूर्ख, वो इडियट, वो बुद्धिहीन बोला है या नहीं है? मैंने बहुत लोगों को इन शब्दों का उपयोग करते हुए सुना है। मुझे अभी भी याद है, आज से लगभग 26 साल पहले मैं एक मीटिंग में बैठा हुआ था। अचानक एक अंकल आंटी, अंकल होंगे 70 उम्र के, आंटी होंगे 65 के, दौड़ते हुए, अरे बेटे तुम तो वो फिलिप अब्राहम के बड़े बेटे। हाँ, मैंने कहा मैं फिलिप अब्राहम का बड़ा बेटा हूँ। बहुत खुश हो गए दोनों ने, मुझे मेरा आलिंगन किया, बातचीत की, उसके बाद कुर्सी पे बैठ गए। बातचीत के दौरान आंटी ने मुझसे कुछ पूछा, सुना था कि तुम कॉलेज गए। अंकल ने फौरन कहा कि अरे निकम्मी तुझको क्या मालूम, मलयालम में बोला उन्होंने, अरे निकम्मी तुझको क्या मालूम, ये तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है। मैं पढ़ा लिखा हूं ये सत्य है, लेकिन पढ़े लिखे होने का सारा स्वाद, मजा किरकिरा हो गया उस दिन जब उस अंकल ने मेरे पढ़े लिखे होने के बारे में आंटी को बताने के लिए आंटी के लिए मूर्ख शब्द का उपयोग किया। अरे एक 70-75 साल की आंटी को यदि ये नहीं मालूम है कि मैंने काफी पढ़ाई की है, तो वो मूर्ख कैसे हो गई? इसको हम समझें। हम इतने आराम से इन शब्दों का उपयोग करते हैं कि हम इस बात को भूल जाते हैं कि इन शब्दों के उपयोग के द्वारा हम उस व्यक्ति की व्यक्तित्व हत्या कर रहे हैं। 75 साल की एक बुजुर्ग महिला मेरे सामने बैठी हुई है और पति उनको मूर्ख शब्द से संबोधित कर रहे हैं, तो उसके व्यक्तित्व की हत्या नहीं तो और क्या कर रहे हैं? आप कहेंगे कि अच्छा किया ब्रदर जो आपने ये बात बोल दी, हमारे हस्बैंड इस तरह के शब्द हमारे अगेंस्ट यूज किया करते हैं। बहनों से भी मैं पूछना चाहता हूं, आपको लगता है क्या कि बहनें बिल्कुल एकदम से निर्दोष दूध की धुली हुई हैं? नहीं, कई बार बहनें भी अपने हस्बैंड्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जो इनलॉज हैं उनके लिए इन शब्दों का उपयोग करती हैं। याद रखें, निकम्मा अन्य व्यक्ति के लिए हम जिस शब्द का उपयोग कर सकते हैं उसमें सबसे सरल शब्द है, और सबसे सरल शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति का अपमान करते हैं या उसके व्यक्तित्व का की हत्या करते हैं, तो प्रभु कहते हैं वो इवन कचहरी में दंड से आगे निकल गया है और अब तो महासभा में उसका न्याय होना जरूरी है। यहां न्याय नहीं लिखा है, इस बात को याद रखें। कचहरी में 22वें पद में हम देखते हैं, मत्ती 5:22, वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। उसके बाद जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, वो भी 22 में है, वो महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई, उसके बाद खत्म नहीं हुआ, जो कोई कहे अरे मूर्ख, वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। निकम्मे से भी बड़ा शब्द है मूर्ख। निकम्मा मतलब जो कुछ काम नहीं करता है, मूर्ख जो बुद्धिहीन है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, आज से 6,000 साल पहले जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की थी, तब मनुष्य के बारे में प्रभु का वचन ये याद दिलाता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में सृजा, मनुष्य की सृष्टि अपने स्वरूप में की। और यदि परमेश्वर ने, और यदि नहीं, सच कहा जाए तो यदि का प्रयोग मैं गलत कर रहा हूं, चूंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में सृष्टि की है, मनुष्य की,
तो उसका मतलब यह है कि जब हम किसी व्यक्ति का अपमान करते हैं तो हम एक ऐसे व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं जो परमेश्वर के स्वरूप में सिरजा गया है। आप पूछेंगे, ब्रदर आप विश्वासियों के बारे में कह रहे हैं या अविश्वासियों के बारे में कह रहे हैं? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के स्वरूप में परमेश्वर ने ना तो विश्वासी की सृष्टि कहे की है ना अविश्वासी की। परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री की सृष्टि अपने स्वरूप में की है, और पुरुष और स्त्री की सृष्टि अपने स्वरूप में की है उसके बाद प्रभु के वचन में कहीं भी इस तरह का कोई प्रस्ताव हमको नहीं मिलता है कि परमेश्वर का स्वरूप मनुष्य में से खींचकर बाहर कर दिया गया, चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी हो। इसमें कोई शक नहीं है कि परमेश्वर का स्वरूप हो सकता है उसके अंदर बिगड़ गया हो, लेकिन चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, वो परमेश्वर के स्वरूप में सिरजा गया व्यक्ति है। इसलिए सोच समझ कर बात करें। मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं, आज ऑलरेडी इस समय 80 से ऊपर परिवार प्रभु का वचन सुन रहे हैं, और भाई रणजीत ने इसके पहले ये बात बताई है कि यदि आप 80 संख्या सामने देख रहे हो तो इस बात को समझ लीजिए कि उससे ज्यादा परिवार देख रहे हैं। तो लेकिन मान के चलें कि 80 कनेक्शंस हैं, 80 के करीब परिवार प्रभु का वचन सुन रहे हैं। मैं सबको याद दिलाना चाहता हूं, हम में से हर व्यक्ति इसका दोषी है। हम दूसरों के विरुद्ध तमाम तरह के गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आज जितने सबसे पहले जितने पति लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, आप कहेंगे कि भैया आप पतियों को क्यों हैरान कर रहे हैं? पतियों को इसलिए हैरान कर रहा हूं कि परिवार का हेड वो है, और चूंकि परिवार का हेड सर वो है, इसलिए वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। आज जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, इनमें से कितने पति लोग हैं जो अपनी पत्नी के लिए अपमानजनक शब्दों का उपयोग करते हैं? मैं ऐसे कई पतियों को जानता हूं, नमक ज्यादा हो गया तो तेरी मैयों ने तुझे ये सिखा के भेजा था, वहां से स्टार्ट होता है। तो अपमान पत्नी का नहीं, पत्नी की मां का हो रहा है। एक पत्थर से दो शिकार। जरा अपनी बोली, अपनी वाणी को जांच कर देखें। आप शायद कहेंगे, ब्रदर जॉनसन आज तक बहुत कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मैं कड़े शब्दों का प्रयोग प्रभु के वचन की व्याख्या के लिए कर रहा हूं, आप कड़े शब्दों का प्रयोग अपनी पत्नी के हत्या के लिए करते हैं, इतना फर्क है। आज जो पत्नियां प्रभु का वचन सुन रही हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, अपने पति से जब आप बात करते हैं तब किन शब्दों का उपयोग करते हैं? आप कहेंगे, जॉनसन ब्रदर मैं अपने पति के सामने कभी बुरे शब्दों का उपयोग नहीं करती, मैं जब अपनी सहेली से बात करती हूं सिर्फ तभी अपने पति के विरुद्ध बुरे शब्दों का प्रयोग करती हूं। तो ये तो और भी ज्यादा हो गया। हम लोग बहुत शियाने हैं, जम के प्रभु के वचन का उल्लंघन करते हैं और उसके बाद अच्छे वाक्यों और शब्दों के द्वारा अपना बचाव करने की कोशिश करते हैं। तो आज जो भाई लोग, पति लोग और जो बहनें, पत्नियां प्रभु का वचन सुन रहे हैं, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं, अभी तक जो हो गया वो हो गया, लेकिन आइंदा इस बात को याद रखें कि निकम्मा और मूर्ख यदि बोल दिया तो प्रभु का वचन याद दिलाता है कि कड़ी से कड़ी सजा के वो योग्य है। आप कहेंगे कि ब्रदर कोर्ट में तो नहीं ले जाएंगे? नहीं नहीं कोर्ट में नहीं ले जाएंगे, प्रभु का जो कोर्ट है कल हमको वहां पर मौजूद होना होगा।
यदि आपको यकीन नहीं होता है तो पहला कुरिन्थियों तीसरा अध्याय और इब्रानियों की पत्री छठा अध्याय पढ़कर देख लीजिए, जहां साफ साफ लिखा हुआ है कि हर विश्वासी का न्याय आग के द्वारा होगा, अग्नि के द्वारा होगा। और इसलिए हम अपनी जुबान पर लगाम दें और दूसरे के का व्यक्तित्व हत्या ना करें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहां जितने बच्चे हैं मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, प्रिय बेटे प्रिय बेटी, अपने मम्मी डैडी से जब बात करते हैं तब जरा संभल के बात करें। यदि आप मम्मी से कहते हैं मम्मी आपको क्या मालूम, कहने का मतलब यह है कि मम्मी आज के हिसाब से आप मूर्ख हैं, मैं ज्ञानी हूं, आप मूर्ख हैं, आपको कुछ नहीं मालूम है, प्रभु के वचन का उल्लंघन हो गया। यदि आप कहेंगे कि अंकल मम्मी हर चीज पर टोकती रहती हैं, यदि तुमको लगता है कि मम्मी हर चीज पर टोकती हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मम्मी को उल्टा सीधा जवाब दिया जाए। उसके बदले मम्मी से यदि अनुरोध करें कि मम्मी मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा टोकती हैं, मुझे जरा एक अवसर दीजिए। हम में से कई लोग इस बात को भूल जाते हैं, यदि हम सॉफ्टली क्षमा के साथ यदि किसी से किसी चीज का अनुरोध करें तो अक्सर बहुत फर्क पड़ जाता है। इसलिए बच्चों, अपने मम्मी डैडी के से जब बात करते हो तब ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जिससे उनका अपमान होता हो। मैं तुम लोगों की तुलना में मेरी उम्र बहुत ज्यादा है, मैं बहुत ज्यादा मिनिस्ट्री के लिए यात्रा कर चुका हूं, मैंने ऐसे बहुत सारे अवसर देखे हैं जहां बच्चे अपने माँ बाप को ना केवल टोका टाकी करते हैं, माँ बाप को बाकायदा गंदी से गंदी गाली देते हैं। प्रभु का वचन क्या याद दिलाता है, ऐसा नहीं करना है, मनुष्य जो बोएगा वो काटेगा। भाई बहन लोग इस बात को याद रखें, एक दूसरे के ऊपर क्रोध करने के बदले यदि किसी ने कुछ गलत किया है, प्रभु का वचन याद दिलाता है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। आज आगे बढ़ने से पहले फिर से मैं जितने लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं उन सब से अनुरोध करना चाहता हूं, हत्या का मतलब सिर्फ तलवार लेकर हत्या नहीं है, शब्दों के द्वारा हत्या है, वो भी हत्या की कैटेगरी में आता है। और ये मेरी वाणी नहीं है, परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर के वचन में भी ये प्रभु यीशु ने स्वयं डायरेक्ट बताया था। इसको यदि हम गंभीरता से नहीं लेते तो ये हम में से जो उसको गंभीरता से नहीं लेता है ये उसके लिए बर्बादी का कारण हो जाएगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर का मजाक नहीं किया जाता, परमेश्वर का उपहास नहीं किया जाता, मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। आगे हम देखते हैं 23वें पद में, मत्ती 5:23, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। मतलब यदि आपके भाई को लगता है कि आपने उसके विरुद्ध कोई गलत कार्य किया है तो पहले जाकर उससे मेल मिलाप करो। यहां यह नहीं लिखा हुआ है कि आपके भाई के विरुद्ध यदि आपके मन में कुछ है, आपके भाई के विरुद्ध आपके मन में कुछ नहीं होना चाहिए। प्रभु के वचन की आज्ञा है कि हमारे भाई के विरुद्ध हमारे मन में कुछ भी नहीं होना चाहिए। यदि उसने धोखा दिया हो, उसने आपको आपका अपमान किया हो, तो भी उसके विरुद्ध आपके मन में कुछ नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं ब्रदर, हाँ वेट वेट, अभी प्रभु के वचन से देखते हैं। तो प्रभु का वचन ये नहीं कहता है कि यदि भाई के विरुद्ध यदि तुम्हारे मन में कुछ हो, नहीं,
यदि भाई के मन में तुम्हारे विरुद्ध कुछ हो, जाओ क्षमा मांगो और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ और तभी प्रभु उसको ग्रहण करेंगे। यहाँ ये नहीं लिखा है कि प्रभु ग्रहण करेंगे, अन्य पदों में यह मिलता है। आप कहेंगे कि ब्रदर आपने जो कहा है उसको थोड़ा सा विस्तार देंगे क्या? जी नहीं, मैं विस्तार नहीं दूंगा, प्रभु का वचन देता है। रोमियों की पत्री 12वें अध्याय को खोल लीजिए, रोमियों की पत्री 12वें अध्याय के 17वें पद को खोलिए, रोमियो 12:17, वहां लिखा हुआ है बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। मतलब यदि मेरे भाई ने मुझसे कुछ किया है तो भी उसके विरुद्ध मैं बुराई ना करूं। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो, जहां तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। ये इस बात को बताता है कि भाई के विरुद्ध मन में क्रोध रखना एकदम गलत बात है। हमको अपनी जिंदगी सही नजरिए से देखनी चाहिए, और जब हम सही नजरिए से जिंदगी को देखेंगे तब भाई के विरुद्ध हमारे मन में जो भावना है उसको छोड़ देंगे। हम ये सोचने लगेंगे कि भैया ये तुमने जो किया है गलत है, लेकिन मैं उसका ना तो पलटा लूंगा ना उसका बुरा मानूंगा, जो तुमने किया वो तुम्हारे और प्रभु के बीच में, मैंने तो तुमको क्षमा कर दिया। आप पूछेंगे कि इस तरह से कोई क्षमा करता है क्या? जी हाँ, मसीही जगत में मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने उनके साथ जिन लोगों ने बुराई की थी उनको क्षमा कर दिया है। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो अपने भाई से शेक हैंड नहीं करते, जो अपनी बहन को देखकर चेहरा फिराकर चले जाते हैं। ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनके साथ लोगों ने जितनी बुराई आप सोच सकते हैं वो सारी बुराई की, लेकिन इन सब बुराइयों के बाद भी उनको क्षमा कर दिया। प्रभु का वचन याद दिलाता है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो, जहां तक हो सके भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। 19, रोमियो 12:19, हे प्रियो अपना पलटा ना लेना। हम हिंदुस्तानी लोग बचपन से अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि यदि किसी ने हमको ईंट से मारा है तो ईंट का जवाब पत्थर से दो। मैं तो भाई रंजीत और दशरथ वगैरह जिस इलाके में है मैं उस इलाके की पैदाइश हूं, पैदाइश से मेरा मतलब पालन पोषण वहां हुआ है। वहां तो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देते, वहां ईंट का जवाब बंदूक की गोली से दिया जाता है। उस कल्चर में मेरा पालन पोषण हुआ है। वो कल्चर लोगों को बताता है कि यदि तुमने तुमको किसी ने कुछ किया है गोली मार दो, और गोली मार दूंगा ये एक बहुत कॉमन स्टेटमेंट है चंबल इलाके में। प्रभु का वचन कहता है प्रियो अपना पलटा ना लेना। यदि किसी ने हमारा अपमान किया है, यदि किसी ने हमको धोखा दिया है, यदि किसी ने फाइनेंशियली हमको लूटा है, या मेरा अवसर, मुझे जो अवसर मिलना चाहिए था किसी ने वो अवसर ले लिया है, तो हिंदुस्तानी लोग जो ईंट का जवाब पत्थर से देने की सोचते हैं और बचपन से जिनको ईंट का जवाब पत्थर से देने की ट्रेनिंग दी जाती है, वे लोग अवसर मिलने पर उसका पलटा लेने की कोशिश करते हैं। प्रभु का वचन वर्जित करता है, बल्कि प्रभु का वचन कहता है क्रोध को अवसर दो। क्रोध का अवसर मतलब परमेश्वर के क्रोध का अवसर दो, क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम है। प्रभु कहते हैं मैं बदला दूंगा। यदि किसी ने आपके विरुद्ध कोई कार्य किया है तो अवसर आने के का इंतजार ना करें कि कब मैं उसको, उसने मेरा जो अपमान किया है उसका पलटा लूं। मेरा अनुमान है कि आज जो प्रभु की वाणी सुन रहे हैं
इनमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे कभी किसी ने कोई बुरा नहीं किया। मुझसे तो बहुत लोगों ने बुरा किया है। मैं एक बाइबल स्कूल अध्यापक था, बहुत सालों तक बाइबल स्कूल अध्यापक था। मेरे कई विद्यार्थियों ने मुझे धोखा दिया है, कई लोगों ने। मैं बहुत उदार था। मैं जिस कमरे में रहता था उस कमरे में कभी ताला नहीं लगाता था। शिवपुरी में प्रभु की सेवा जो कर रहे हैं, प्रभु के दास शिविर जो मेरे विद्यार्थी रहे हैं, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया था कि जब बाइबल स्कूल में थे मैं ताला नहीं लगाता था, कमरे में ताला नहीं लगाता था, अलमारी में ताला नहीं लगाता था, कांच की खिड़की रहती थी, कंप्यूटर खिड़की के पास रहता था, मैं कभी पर्दा नहीं डालता था। क्यों? इसलिए कि मैं कंप्यूटर पर कभी कोई गलत काम नहीं करता था। और जब मैं घर जाता था तो मेरे स्टील की अलमारी की चाबी विद्यार्थियों में से किसी के हाथ देकर जाता था। इतना ही नहीं, कई बार लोग मुझे जो पैसा देते थे उस पैसे से अपने बच्चों के लिए जूते खरीदने के बदले वो पैसा वहां अलमारी में रख देता था और विद्यार्थियों से बोलता था कि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा मत लेना, जितनी जरूरत है। काहे के लिए? तेल खरीदने के लिए, कंघा खरीदने के लिए, साबुन खरीदने के लिए, उतना, सिर्फ उतना उसमें से ले लेना। इतना उदार मनस्क अध्यापक होने के बावजूद मेरे कई विद्यार्थियों ने मुझे धोखा दिया। मैं जिन नोट से पढ़ाता था वो चोरी ले जाके फोटोकॉपी करके क्लास में जब मैं पढ़ाता था तब पीछे बैठ के मेरी नकल उतारते थे। ये सबसे छोटा धोखा है जो मैं आपको बता रहा हूं, वहां से लेकर कितना दिया। तो इसलिए हम में से हर व्यक्ति के साथ धोखा होता है। एक उदार मनस्क थियोलॉजी अध्यापक जो विद्यार्थियों के लिए पिता तुल्य था उसके साथ भी धोखा होता था, अन्य लोगों के साथ भी होता था, आपके साथ भी होगा। लेकिन प्रभु का वचन याद दिलाता है, हे प्रियो अपना पलटा मत लेना, बदला मत लेना, क्रोध का अवसर दो, मतलब प्रभु के क्रोध का अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहते हैं मैं ही बदला दूंगा। जब प्रभु का वचन कहता है कि तू हत्या ना करना, तो मत्ती में प्रभु यीशु ने इस बात का जब विस्तार दिया तब प्रभु ने यह स्पष्ट किया कि इवन अपने भाई को मूर्ख बोलना हत्या के तुल्य है, तो फिर पलटा लेना तो बहुत बड़ी हत्या है। इस बात को कभी ना भूलें। इसके बारे में एक और पोर्शन और देखना जरूरी है, तभी यह विषय कंप्लीट होता है। और आज मैं तो खून न करना को क्लोज कर रहा हूं, यहां प्रभु ने मदद की तो क्लोज करना चाहता हूं। और क्लोज करने से पहले एक और पोर्शन पढ़ना जरूरी है, पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय 11 से, पहला यूहन्ना 3:11 से। वहां हम देखते हैं, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वो यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिस कैन ने अपने भाई की हत्या की। किस कारण हत्या की? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। ये हत्या नामक विषय पर कुछ और प्रकाश डालता है। क्या प्रकाश डालता है? प्रकाश ये डालता है कि यदि मैं और आप यदि अपने भाई या बहन के विरुद्ध, यदि उनके विरुद्ध किसी भी तरह की भावना को या भावना के साथ जी रहे हैं, तो उसका मूल कारण ना तो हमारा भाई है ना हमारी बहन है। उसका मूल कारण क्या है? प्रभु का वचन कहता है वो कैन दुष्ट से था। किस लिए घात किया अपने भाई को? कैन के काम बुरे थे।
मैं और आप जब अपने भाई या अपने बहन की हत्या की सोचते हैं, जब उनका किसी भी तरह की हत्या करते हों, जब अपनी पत्नी को पब्लिक में मूर्ख कह रहे हों, अपने बच्चे को पब्लिक में किसी भी तरह की के गलत शब्द का अपने बच्चे के विरुद्ध उपयोग करते हैं, अपने भाई के विरुद्ध उपयोग करते हैं, उस सब का कारण क्या है? हमारे काम बुरे हैं। और प्रभु का वचन, ये कैन के बारे में और भी प्रभु के वचन में पोर्शंस है, जिसको पढ़ते हैं तब पता चलता है कि उसका मन बुरा था इसलिए उसका कर्म बुरा था। तो यदि हम अपने भाई बहनों के विरुद्ध गलत शब्दों का उपयोग करते हैं तो इसलिए करते हैं कि हमारा मन बुरा है इसलिए हमारा कर्म बुरा है, और इसलिए प्रभु का वचन एक आज्ञा देता है। वो आज्ञा हम पढ़ के मैंने उसे छोड़ दिया था। वो आज्ञा पहला यूहन्ना 3:11 में है, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वो यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। प्रेम एक ऐसा शब्द है जिसे हर कोई जानता है। प्रेम एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन जरा पूछ कर देखें, प्रिय भाई, प्रिय बहन, आपने अपने जीवन में सच्चे प्रेम का अनुभव किया है क्या? मैं काउंसलर हूं, इस कारण हजारों लोगों की जिंदगियां बहुत अंदर से देखी हैं, और एक चीज जो मैंने बार बार देखा है वो ये है, लोग प्रेम के भूखे और प्यासे हैं, लेकिन जो लोग प्रेम के भूखे और प्यासे हैं, जो एक कण प्रेम के लिए तरसते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि तुम जिस चीज के लिए तरसते हो वो तुम्हारे दिल में बहुतायत से प्रभु ने रखा है, वो तुमने किसी दूसरे को दिया है क्या? मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं, जो व्यक्ति प्रेम के लिए तरस रहा है और एक काउंसलर के पास आता है, जब उससे पूछते हैं तुम प्रेम के लिए तरस रहे हो, तुम्हारे दिल में प्रेम करने की कैपेसिटी प्रभु ने दी है, तुम किसी से प्रेम करते हो क्या? तो मालूम है क्या कि जवाब क्या देते हैं? मैं काहे को प्रेम करूं? मतलब बाजार में खड़े होकर एक नंगा दूसरे नंगे की तरफ इशारा कर रहा और बार बार कह रहा, देखो नंगा खड़ा हुआ है, देखो नंगा खड़ा हुआ है, देखो नंगा खड़ा हुआ है। और जब लोग देखते हैं तो पता चलता है आपके बदन पे तो कपड़े नहीं है, एक एक धागा भी नहीं है, आप उसको नंगा कह रहे हैं। ये मेरा आपका स्वभाव है। हम दूसरे के विरुद्ध दोष लगाते हैं कि वे प्रेम नहीं करते हैं, वे प्रेम देना नहीं जानते हैं, और हमसे जब पूछा जाता है कि अच्छा ठीक है वो नहीं जानते और तुम्हारा मैं काहे को दूं? ये कई अलग अलग तरीके से हमारे जीवन में दिखता है, कई अलग अलग तरीके से। एक उदाहरण दूं, खासकर आज जितने प्रचारक लोग यहां बैठे हुए हैं वे इस बात को सुन लें। मैंने जिंदगी भर, सभी लोग जानते हैं, जिंदगी भर मेरे जो साथी, मेरे जो विद्यार्थी हैं, मेरे साथी प्रचारक है, उन लोगों की मदद की कोशिश की है। इनमें से कई लोग बहुत धनी बन गए, मुझे बहुत खुशी है। जब वे धनी बन गए तो उनमें से कई लोगों ने, प्रभु ने उनको जो अनुग्रह दिया उसमें से एक पोर्शन मुझे वापस भेजने की कोशिश की। बीबी अड़ गई, अरे वो आदमी तो हमारी मदद करता था, उसको काहे को पैसे भेजो? बीबी तैयार हो गई तो बिटिया अड़ गई, अरे वो तो हमको भेजते थे, हम उनको क्यों भेजे? बिटिया तैयार हो गई तो बेटा अड़ जाता है, पापा आप कैसी मूर्खता कर रहे हैं, उस आदमी वो तो हमारी मदद करता है, हम काहे को उसकी मदद करें? होता है या नहीं होता है, हम में से जितने लोग दूसरों की मदद प्राप्त करते हैं, हम कभी मुड़ के एक क्षण ये सोचते हैं क्या कि उस व्यक्ति को भी मदद की जरूरत है? और जब सोचते हैं तब पत्नी क्या कहती है, बिटिया क्या कहती है, बेटा क्या कहता है? या पत्नी जब कहती है कि भैया उसको
उसकी मदद करो, तब हम क्या कहते हैं। आज भाई रंजीत ने बताया कि बहुत सारे प्रचारक लोग हैं, तो मैंने सोचा कि ये एक अच्छा उदाहरण है जो सबको मालूम होना चाहिए। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, एक परिवार में एक भाई जब विदेश से आए तो वो कुछ पैसे एक प्रचारक को देना चाहते थे। वहां तो बाकायदा खून खराबा हो गया। अरे वो प्रचारक तो हमको पैसा भेजते थे, जब से घर में पापा की मृत्यु हुई है तब से वो भाई हमको पैसा भेजते थे, अब हमारे पास लाखों हो गए करोड़ हो गए, क्या फर्क पड़ता है, अब उस व्यक्ति को क्यों दिया जाए। जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वो ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, हम प्रेम चाहते हैं, प्रेम देना नहीं चाहते। इसके बहुत सारे रूप हैं, इवन किसी की मदद करना भी हमारे प्रेम का एक एक्सप्रेशन है। तो प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने हमारी मदद की, हम तू खून न करना उस पद का अध्ययन कर रहे थे। जैसा हम अक्सर सोचते हैं, हमको लगता है कि बस उसका मतलब एक या दो है, ऐसा नहीं है। जब प्रभु का वचन कहता है कि तू खून न करना, तो उसके बहुत सारे अर्थ हैं, उसकी व्याप्ति बहुत है। और कई बार इन बातों को न जानने के कारण हम प्रतिदिन के जीवन में जाने अनजाने जमकर खून करते हैं, हत्या करते हैं, व्यक्तित्व हत्या करते हैं, अपनी पत्नी का मन मारते हैं, अपने पति का मन मारते हैं, बच्चे का जीवन व्यर्थ कर देते हैं। प्रभु करे कि हम आज एक बार और अपने जीवन को, अपनी वाणी को, अपने कर्मों को जांचें, और जो जरूरी बदलाव है वो बदलाव अपने अंदर लाएं। इन बातों को समझने के लिए और उसके अनुसार जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रभु हम सबकी मदद करें। जय मसीह की। प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए, उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोत्साहन देता है। जय मसीह की।